एक काम करते हैं, अगर हमें बैटरी नहीं मिलेगी, मेरे पास एक और आइडिया आ गया भाई। इसमें ना ये सॉकेट अगर यहाँ पे चार्जिंग वाला है, जब आपको हर तरफ से लाइफ प्रॉब्लम्स देती है ना, तब तो मन करता है कि भाई अपनी हार नहीं मानूंगा भाई, जैसा भी हूँ कोशिश करते रहूंगा। ठीक है, अभी चेक करना, बिल्ली उठ गई थी आगे से, कसम से बोल रहा हूँ तुम्हें। 154 भाई, पांचवा गियर है अभी, चेक करो, 107 भाई पांचवे गियर में। इस बाइक तो आपने देख ली यार, बड़ा ज्यादा अच्छा लगा आपको रिव्यू करा के। और यहाँ पे देखो अपनी बाइक, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा यार, है ना भाई। इसमें जब 400 सीसी आएगा ना, तो सारे भाई इसका नाम भी लेंगे ऐसे ही, जैसे अभी NS 400 का चल रहा है नाम। 400 आएगा ना, ये तब भी याद है भाई, अपनी याददाश्त तो है। मतलब बिल्कुल न्यू कलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, देख लो भाई, मैं तुम्हें ऑन करके दिखाऊंगा। इसमें PDI भी नहीं हुई अभी, एकदम से न्यू बाइक है। देखो भाई कितना ग्लॉसी शाइन है इस बाइक का, ठीक है। तो जितना आँखों से दिखता है भाई, इतना तो क्लियर मैं दिखा नहीं पाऊंगा व्लॉग में, लेकिन तब भी देख लो, देख लो क्या कलर लग रहा है यार, वाह। बड़ी सारी बाइकें पीछे आपने देखा, ये सिंपल है, नॉर्मल बाइक, ये तो आपके काम की नहीं है, जो लोगों को पसंद है। ओ, इसका रिम देख कितना प्यारा है, डोमिनार का है ना, डोमिनार भी बहुत खूबसूरत है। इसका ना डायमंड कट वाले अलॉयज आते हैं। तो अभी ना दो पीसेज और है, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये NS 400 के हैं, ये देख लो कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और इनमें ना रैप चढ़ा हुआ है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर उठा के, ये देखो न्यू सारे पीसेस पड़े हुए हैं। ये देखो ये भी नहीं ऑन होगा अभी, इसमें ना बैटरी का कनेक्शन देना पड़ता है पहले, फिर ऑन होगी ये, ठीक है। तो चलो निकल। हाँ जी, टूरिंग के लिए बेस्ट है। हाँ, डोमिनार भी है टूरिंग के लिए, ये ज़्यादा अच्छी है। ये भी न्यू बाइक है, ये देख लो यहाँ पे। तो चलो भाई, यहाँ हम गोडाउन में आए थे, यहाँ पे जो छोटे मोटे डीलर्स होते हैं ना बाकी, तो वहाँ के लिए ना उनको सप्लाई यहीं से मिलती है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से, ठीक है, भाई के साथ। ये देखो अपनी Z900 यहाँ से आ रही है, फर्स्ट गेट पास। ये क्या देख रहा है भाई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। वैसे तो भाई दूसरी जगहों पे बाइक पहले लॉन्च हो गई थी, लेकिन ये वाली जो बाइक है ना, यहाँ पे पहली बार लॉन्च हुई, मतलब परसों हुई थी। तो आज हमारे साथ भाई भी जा रहे हैं, रोहित भाई जा रहे हैं अभी हमारे साथ। तो अभी ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इस बाइक को राइड करके, कि मेरे को कैसा फील हो रहा है। एंड सबसे पहले तो ये है कि भाई मेरे को ना कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा सिटिंग पॉस्चर है इसका। देखो भाई, जब बाइक खड्डे में गिर रही है, पीछे कैसा फील हो रहा है? हाँ, एकदम से लैंडिंग जो है ना, बिल्कुल कंफर्टेबली हो रही है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। देखो भाई, सुपर बाइक का क्रेज देखो, सुपर बाइक का क्रेज देखो। ऑफ रोडिंग वाला मोड है इसका, क्या सीन है यार? ऑफ रोडिंग वाला जो मोड है इस पे लगाऊं? रुक जाओ, हो गया एक्टिवेट। अब क्या होगा, क्या सीन है इसका? ट्रैक्शन ऑन होगा इसमें, पता है, इसमें ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा ताकि ना स्लिप ना करे बाइक। और ये तो वैसे भी हो जाएगी स्लिप, अभी कीचड़ ज्यादा है, बट हाँ हाँ ट्रैक्शन ऑन हो रहा है, ट्रैक्शन बैक वाला। कॉज ना मड पे मैंने ट्राई किया। आगे आगे जा, हम पहुंच चुके हैं अपनी न्यू NS 400 को लेके भाई। 16 किलोमीटर राइड कर लिया हुआ है NS 400 को, जैसे तुम ओडोमीटर पे नीचे देख पा रहे हो। A few minutes later. तेरा है? तेरा भी वही कर रहा है भैया। कितने टाइम से हम खड़े हैं यहाँ पे? बिल्कुल आधे घंटे भैया। अभी परेशान हो गए हैं, मैं वीडियो तो नहीं बना रहे अभी। नहीं, हम ब्लॉग बना रहे हैं अभी, अपना सेटअप कर रहे। बोलो, इसको मत लेना, मैं थोड़ी सी राइड ले लूं। अभी नहीं, अभी नहीं भाई, प्लीज। छोटी बारिश हो रही है, नहीं हो पाएगा। नहीं, आप पीछे बैठ जाओ, एक ये बारिश हो रही है, समझे करो, ट्रैक डाल रहा है, स्लिप स्किड होता है बहुत ज़्यादा यार। सेटअप में ही प्रॉब्लम आ रही है यार, बार बार गोप्रो ना ऑफ हो रहा है भाई। व्लॉग पता नहीं क्या है, किस्मत खराब होती है ना जब इंसान की, तब कुछ भी कर लो भाई। बारिश भी गिर रही है, ऊपर से भैया भी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। वीडियो शूट करना था यार, वो भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। एक तो बारिश पड़ रही है, ऊपर से सेटअप ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार। ओ यार, ये 80 जाती है भाई पहले गियर में, ये क्या भाई? पहला था, दूसरा था, कौन सा था ये? पहले भाई एक बार से फिर चेक करते भाई, एक बार मैं नीचे उतार देता हूँ सारे गियर। पहला गियर लगाता हूँ, पहला गियर देखते भाई कितना जाता है इसका, वैसे पता चलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हमें बैटरी नहीं मिलेगी, मेरे पास एक और आइडिया आ गया भाई। इसमें ना ये सॉकेट अगर यहाँ पे चार्जिंग वाला है, कहाँ से खुलता भाई ये चार्जिंग वाला सॉकेट है? इसमें मैं भाई वहाँ से ऑक्स लेके आता हूँ, जो होता है USB टाइप सी वाला, तो फिर ये इंस्टॉल करते हैं। बाइक को यहीं रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ये चार्ज GoPro हो गया इसकी वजह से, ऑक्स की वजह से, तो ऑक्स की शॉप पे पहुँच गए यहाँ पे, USB वाली। ये भी है ना यहाँ पे, कौन सी वाली चाहिए? ये ले ले। ये फास्ट चार्जर है, नहीं इसमें ठीक है उतनी फास्ट। ये वाला, ये दोनों का एक ही हिसाब है, एक ही हिसाब है। देखते हैं GoPro यहाँ से चार्ज होता है या नहीं होता। कॉज भाई प्रॉब्लम बहुत आ रही है, भाई भी आ रहे हो देखो उनके साथ। तो चलो भाई, अब व्लॉग तो बनाना था, मैंने सोचा कि यार व्लॉग अच्छा बने यार, आप सब लोगों के लिए एंजॉय होना चाहिए। मेरा मन नहीं है व्लॉग बंद करने का, क्योंकि जब आपको हर तरफ से लाइफ प्रॉब्लम्स देती है ना, तब तो मन करता है कि भाई अपनी हार नहीं मानूंगा भाई, जैसा भी हूँ कोशिश करते रहूँगा। ठीक है,
तो ये देख लो भाई, वायर मैंने कनेक्ट कर ली हुई है, मुझे लगता है चार्ज तो हो रहा होगा, आई होप। तभी ये कैमरा सेटअप बंद नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा बैटरी नहीं थी भाई, तो अब मैं व्लॉग भी इजीली बना पाऊंगा, कॉज बैटरी की भी कोई टेंशन नहीं है। इजीली टेस्ट करते हैं भाई, पहले गियर चैलेंज करते हैं भाई। 57 एंड 81 सेकंड गियर, क्या बात है, सो पावरफुल मैन, वाओ। थोड़ा हैंडल वॉबल कर रहा है। तीसरे गियर में, चौथे गियर में 133 भाई, 40 का BHP बोल रहे हैं भाई। तो मैं सोचना चाहता था कि भागती कैसी, अभी RS आके भाग रही है, RS के साथ भगा दे भाई, RS तो पीछे हो जाएगी। RS भाई किसी बंदे ने ले गया, लेकिन पास हेलमेट नहीं लगा हुआ यार, RS से तो इजीली आगे जाएगी, बट ये बंदा बहुत गंदी चला रहा भाई। ओ मान, ओ भाई आराम से आराम से, क्या है भाई, पकड़ी नहीं जा रही RS यार मेरे से। बबल कर रहा थोड़ा हैंडल यार इसका, अब ना मेरा ऐसा मन कर रहा है कि इसमें ना टॉप एंड भी चेक करेंगे, लेकिन टॉप एंड तो यहाँ पे चेक होगा नहीं इस टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं और ऊपर से चढ़ाई भी है। दूसरे गियर में दिखाऊंगा अभी, देखो ये देखो दूसरा गियर लगा हुआ ना, ये देख लो देख लो देख लो, दूसरा गियर है ना, देखना 80 जाती है दूसरे गियर में, पता है, और दूसरे तीसरे गियर में 108 भाई, तीसरे गियर में भाई 108 NS 400, ठीक है भाई, बहुत पावरफुल है। तो अब मैं टॉप एंड चेक करूंगा भाई इस वाले रोड में सीधा ऊपर, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं भाई टॉप एंड कितना जाता है, और ऊपर से चढ़ाई भी है, देख लो ये देखो भाई 140, 55, 144, 145, 146 भाई, चलो कमान कमान 150 तो यही टच कर जाएगी पांचवें गियर में, मुझे लग रहा है 150 तो टच करेगी भाई पांचवें गियर में, कमान 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 150 पांचवें गियर में भाई, ये देख लो पांचवें गियर में 150, ये देखो भाई छठा गियर तो अभी मैंने लगाया नहीं हुआ है भाई, क्या घोड़ा बनाया हुआ है यार बजाज ने, बहुत पावर है यार, सोचो RS 400 जब आएगी वो कैसे भागेगी भाई। एक और सर्किट हम कंप्लीट करने वाले हैं, अभी चेक करना, बिल्ली उठ गई थी आगे से, कसम से बोल रहा हूँ तुम्हें मैं। तीसरे गियर में 108, चौथे गियर में 130, चलो चलो कमान कमान, पांचवें गियर में 150 आराम से हो जाती है, देखो भाई पांचवें गियर में 154 भाई, पांचवा गियर अभी चेक करो 107 भाई पांचवें गियर में, ये देखो छठा गियर भाई, छठा गियर वन देखो 162 NS 400 भाई, 167 NS 400 की फुल टॉप स्पीड देख रहे हो भाई, ये देख लो 170 तो टच हो जाएगी, 170 टच होगी भाई, देख रहे हो मेरा तो गला लग गया यार, सो पावरफुल, सच बोल रहा हूँ भाई, इतनी पावर मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्या चलो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ब्रूटल मशीन है भाई। और आपको ना मेक श्योर हेलमेट, राइडिंग ग्लव, सारी चीजें होनी चाहिए भाई। डोमिनार का इंजन होगा, लेकिन इसमें ना KTM RC390 का इंजन है, KTM भी नहीं जाती है इतनी, मुझे पता है KTM का इतना पावर नहीं है। सेकंड गियर में 82 नहीं जाती थी मेरी KTM, ये देखो तीसरे गियर में 107 जाती है भाई, थोड़ा हैंडल बबल करता बस हाई स्पीड में, क्यों, क्योंकि भाई नेक है ना भाई, चलानी है तूने, आजा आया आजा तू चला ले वो, ओए GoPro तब से बंद ही नहीं हुआ पता है, चार्जिंग बड़ी तकड़ी करता है यार, एक मिनट मुझे देखने देना बैटरी कितनी परसेंट चार्ज।